नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो है राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी ट्रेनों की। आज हम इस वीडियो में उन सभी ट्रेनों की आपको जानकारी देंगे जो जैसलमेर से चलकर अलग अलग स्थानों की दूरी को तय करती है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, देखते रहिए रेल नॉलेज। दोस्तों, जैसलमेर रेलवे स्टेशन से चलने वाली आज की जो हमारी पहली ट्रेन है वो है 15013 जैसलमेर जोधपुर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस। यह ट्रेन दोस्तों जैसलमेर से वाया जोधपुर के रास्ते से काठगोदाम तक की दूरी 1296 किलोमीटर की यात्रा को 45 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में तय करती है लगभग 28 घंटे और 10 मिनट में। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पूर्वी रेलवे और यह रानीखेत एक्सप्रेस हफ्ते के सातों दिन चलने वाली एक डेली ट्रेन है। यह ट्रेन रोजाना रात 12:45 पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और जोधपुर, जयपुर, पुरानी दिल्ली, मुरादाबाद के रास्ते से होती हुई 28 घंटे 10 मिनट बाद यह उत्तराखंड के काठगोदाम में अपनी यात्रा को पूरा करती है। अगर दोस्तों इस ट्रेन के हम कोचेस की अगर बात करें तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के फर्स्ट AC, AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर क्लास, सेकेंड सीटिंग और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के किराए को हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि समय के साथ इसमें बदलाव भी हो सकता है। इस ट्रेन के किराए को आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या रेलवे के टिकट काउंटर से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक मेल टाइप की ट्रेन है और इसमें आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। दोस्तों, जैसलमेर से चलने वाली जो हमारी दूसरी ट्रेन है वो है 25013 कार्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस। दोस्तों, यह एक लिंक एक्सप्रेस है जो जैसलमेर से मुरादाबाद तक 15013 जैसलमेर से काठगोदाम तक चलने वाली रानीखेत ट्रेन के साथ अपना लिंक बनाती है। यह ट्रेन दोस्तों जैसलमेर से रामनगर उत्तराखंड के बीच में चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो जैसलमेर से रामनगर की दूरी 1217 किलोमीटर की यात्रा को 43 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में पूरा करती है लगभग 28 घंटे में। इस ट्रेन का भी संचालन करती है उत्तर पूर्वी रेलवे और यह ट्रेन रोजाना रात 12:45 पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और 28 घंटे बाद सुबह के 4 बजे यह रामनगर रेलवे स्टेशन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन में भी दोस्तों ICF श्रेणी के कोच लगते हैं जिसमें AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों, जैसलमेर से चलने वाली आज की जो हमारी तीसरी ट्रेन है वो है 12372 जैसलमेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइमिंग की अगर बात करें तो यह ट्रेन जैसलमेर से हावड़ा की दूरी 2248 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है लगभग 39 घंटे और 30 मिनट में। इस ट्रेन का संचालन करती है पूर्वी रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलने वाली एक वीकली ट्रेन है जो हर गुरुवार को रात के 1:25 पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और बीकानेर चूरू के रास्ते से होती हुई हर शुक्रवार को शाम के 4:55 पर यह ट्रेन हावड़ा में पहुंचती है। अगर दोस्तों इस ट्रेन के हम कोचेस की अगर बात करें तो अभी हाल ही में इस ट्रेन को नए LHB कोचेस में परिवर्तित किया गया है। इस ट्रेन में LHB श्रेणी के फर्स्ट AC, AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं जिसका किराया आप रेलवे की वेबसाइट या रेलवे के टिकट काउंटर से देख सकते हैं। इस ट्रेन में आपको दोस्तों पेंट्री कार, ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन पे दोस्तों हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों वह वीडियो थोड़ी पुरानी है जब यह ट्रेन ICF कोचेस में चला करती थी। नंबर 4 पे जो हमारी ट्रेन है वो है जैसलमेर से जोधपुर के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस। यह ट्रेन दोस्तों जैसलमेर से जोधपुर की जर्नी 300 किलोमीटर की यात्रा को 50 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में तय करती है लगभग 6 घंटे में। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन भी जैसलमेर से जोधपुर के बीच में रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो हर दिन सुबह 7 बजे जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और फलोदी के रास्ते से होती हुई दोपहर के 1 बजे यह जोधपुर में पहुंचती है। अगर दोस्तों इस ट्रेन के हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के AC3 टायर, स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। इस ट्रेन में दोस्तों आपको एकमात्र सुविधा ई कैटरिंग की ही मिलेगी।
दोस्तों इस ट्रेन का पहला संचालन 14 फरवरी 2014 से शुरू हुआ था। इस ट्रेन पे भी दोस्तों हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 5 में जो हमारी दोस्तों ट्रेन है वो है 54819 जैसलमेर से जोधपुर के बीच में चलने वाली पैसेंजर। यह ट्रेन दोस्तों जैसलमेर से जोधपुर की यात्रा 300 किलोमीटर को 44 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में कवर करती है करीबन 7 घंटे में। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह पैसेंजर ट्रेन रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो दोपहर 3 बजे जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और रामदेवरा, पोकरण, मंडोर जैसे 20 स्टेशनों पर ठहरती हुई रात के 9:50 में जोधपुर में पहुंचती है। इस ट्रेन के सभी कोचेस अनरिजर्व्ड सामान्य क्लास के कोच होते हैं जिसका किराया आप रेलवे के टिकट काउंटर से देख सकते हैं। दोस्तों जैसलमेर से चलने वाली जो हमारी नंबर 6 पे ट्रेन है वो है 22932 जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर दोस्तों इस ट्रेन की हम बात करें तो यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलने वाली एक वीकली ट्रेन है जो जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस के डिस्टेंस 1230 किलोमीटर की जर्नी को 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में कवर करती है लगभग 22 घंटे में। इस ट्रेन का संचालन करती है पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन हर शनिवार को शाम के 7:20 पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और जोधपुर, पाली, मारवाड़ जैसे 26 स्टेशनों पर ठहरती हुई हर रविवार शाम 5:30 पर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में अपनी यात्रा को पूरा करती है। अगर इस ट्रेन के हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन को अभी हाल ही में LHB कोचेस में परिवर्तित किया गया है जिसमें LHB श्रेणी के AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं जिसका किराया आप रेलवे के किसी भी टिकट काउंटर या रेलवे की वेबसाइट से देख सकते हैं। इस ट्रेन में दोस्तों आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। और दोस्तों इस ट्रेन की भी पहली शुरुआत 24 फरवरी 2014 से शुरू हुई थी। दोस्तों इस ट्रेन पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों जो हमारी 7वीं ट्रेन है वो है 12467 जैसलमेर बीकानेर जयपुर लीलन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर दोस्तों इसे लीलन सुपरफास्ट एक्सप्रेस की हम बात करें तो यह ट्रेन जैसलमेर से जयपुर जंक्शन के बीच के डिस्टेंस 700 किलोमीटर की जर्नी को 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में कवर करती है लगभग 12 घंटे और 50 मिनट में। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन भी रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो हर दिन रात को 11:55 पर जैसलमेर से रवाना होती है और बीकानेर मेड़ता रोड के रास्ते से होती हुई दूसरे दिन दोपहर के 12:35 पर यह जयपुर जंक्शन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के AC 3 टायर, स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। इस ट्रेन में आपको ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों लीलन एक्सप्रेस का नामकरण राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी के घोड़े लीलन पर रखा गया है। अगर इस ट्रेन की आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों जैसलमेर रेलवे स्टेशन से चलने वाली आज की जो हमारी 8वीं और अंतिम ट्रेन है वो है 14660 जैसलमेर से पुरानी दिल्ली जंक्शन तक चलने वाली रुणीचा एक्सप्रेस। दोस्तों इस ट्रेन का नाम रुणीचा एक्सप्रेस इसलिए रखा गया है क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर जिले में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का स्थल है जिसे रामदेवरा या रुणीचा भी बोला जाता है जिसमें देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह एक प्रसिद्ध जगह है इसलिए इसका नाम रुणीचा एक्सप्रेस है। अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन जैसलमेर से पुरानी दिल्ली जंक्शन की कुल यात्रा 920 किलोमीटर को 50 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में तय करती है लगभग 18 घंटे और 30 मिनट में। इस ट्रेन का संचालन करती है नॉर्दर्न रेलवे और यह ट्रेन जैसलमेर से पुरानी दिल्ली के बीच में चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो रोजाना शाम 4:45 पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और जोधपुर, मेड़ता रोड जैसे 37 स्टेशनों पर ठहरती हुई दूसरे दिन सुबह 11:15 पर यह पुरानी दिल्ली जंक्शन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। अगर इस ट्रेन के हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में फर्स्ट AC, AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं
जिसका किराया आप रेलवे की वेबसाइट या रेलवे के टिकट काउंटर से देख सकते हैं। दोस्तों, किराए में समय के साथ परिवर्तन होता है, इसलिए सभी ट्रेनों का किराया हमने आपको नहीं बताया है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जैसलमेर से चलने वाली लगभग सभी ट्रेनों की जानकारी दी है। फिर भी अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।